Ludo is life, and life is Ludo. आप जीतो या हारो, अल्टीमेटली सारे गोटियों को पहुंचना तो एक ही घर में है ना। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी लूडो के बारे में। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर 12 नवंबर 2020 को रिलीज हो चुकी है और ये मूवी का रन टाइम है 2 आवर्स और 29 मिनट्स का। ये मूवी को डायरेक्ट किया है अनुराग बासु ने। ये मूवी में हमें चार अलग अलग कहानियां देखने को मिलेंगी। पहली कहानी में हमें राजकुमार राव और फातिमा सना शेख की बचपन की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। राजकुमार राव एक दिल टूटा आशिक रहता है। जब उसकी महबूबा वापस से आ जाती है और उसके पति को जेल से छुड़ाने का प्लान बनाती है तो उसकी जिंदगी बदल कर रह जाती है। दूसरी कहानी में हमें अभिषेक बच्चन नजर आएंगे, जो कि एक शरीफ किडनैपर का रोल निभाते हैं। एक छोटी सी बच्ची को किडनैप कर कैसे वो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, यही हमें देखने को मिलेगा। तीसरी कहानी में हमें आदित्य रॉय कपूर और सनाया मल्होत्रा की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत ही कमाल की और लाजवाब है। लूडो की चौथी कहानी में हमें पर्ल माने और रोहित नजर आएंगे, जो कि दो ऑर्डिनरी लोग रहते हैं और उन्हें 1.5 करोड़ का खजाना मिल जाता है। तो कैसे यह खजाना मिलने से उनकी जिंदगी बदल जाती है, यही हमें यह मूवी में देखना होगा। बात अगर पैसे की आ जाए तो विलेन पीछे नहीं रहता। यही विलेन की कमी को दूर करने के लिए पंकज त्रिपाठी हमारे आगे आ रहे हैं, जो कि इन चारों कहानी को कनेक्ट कर देते हैं और ये मूवी में खूनखार बट कॉमेडी विलेन का रोल निभाते हैं। इतना छत करेंगे एक मिनट यार, इतना छत करेंगे वाटर फिल्टर बन जाओगे। अगर आप बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होता है। यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हमें लूडो में इन चार कहानियों को एक साथ जुड़ते हुए देखने को मिलेगा। इतने दिन बाद मिला बिट्टू, गले तो मिल ले, छोड़ दे उसको। नहीं, उसका ना किडनी निकाल के बेच दूंगा, 12 लाख की डील हो चुकी है। मूवी की सबसे खास बात यह है कि इसमें बहुत ही टैलेंटेड कास्ट हमें देखने को मिला है, जो कि अपने अकेले दम पर किसी भी मूवी को सुपरहिट करने की ताकत रखते हैं। अगर आप मलयालम सिनेमा से फैमिलियर हो तो आपने पर्ल माने का नाम सुना ही होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस है। उन्होंने भी ये मूवी में बहुत ही कमाल का काम किया है। इस मूवी की अगर बात किया जाए तो अनोखे कॉन्सेप्ट के लिए मूवी की तारीफ करनी चाहिए और शुरुआत से आखिर तक मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां पर हमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये एक एंटरटेनमेंट मूवी है, जो मैं रेकमेंड करता हूं कि आप ज़रूर देखें। अगर आप ऐसे ही मूवी रिव्यूज़ को देखना चाहते हैं और साथ ही टॉप 10 सीरीज़ और मूवी रिकमेंडेशंस को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक कीजिए।